ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं नरेश कुमार आपके समक्ष उपस्थित हूँ हिंदी की क्लास लेकर के। और हिंदी में हमारा अपना जो व्याकरण का जो प्रकरण चल रहा है वो चल रहा है समास का। तो समास के प्रकरण हम अव्ययी भाव, द्वंद्व और तत्पुरुष इन तीनों समासों का अध्ययन पूर्व क्लास में कर चुके हैं। तो आज अपना जो समास चलेगा वो चलेगा कर्म धारय समास। कर्म धारय समास, कर्म धारय समास बहुत सिंपल है। मैं एक आम भाषा में कहूं तो यह दो शब्द याद रख लो केवल, एक तो विशेषता और एक रख लो उपमा। या तो किसी की विशेषता बतलाई जा रही हो या किसी की उपमा दी जा रही हो तो वहां कर्म धारय समास होता है। कुछ भी धमेले में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल दो बातें याद रख लो। किसी शब्द की विशेषता मतलब किसी की विशेषता बतलाई जा रही हो तो भी कर्म धारय समास होगा, और किसी की कोई उपमा दी जा रही हो तब भी कर्म धारय समास होगा। अब जैसे मैं एक उदाहरण लेकर के बताता हूं। काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है, तो ये काली शब्द क्या है? अपना विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और मिर्च क्या है? विशेष्य। क्या कहलाएगा ये? विशेष्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। तो कहने वाले मैंने वही बात आ गई, यहाँ कोई विशेषता बत यहाँ विशेषता बतलाई जा रही है। मिर्च कैसी है? काली मिर्च है। कैसी मिर्च है? काली मिर्च है। तो जहाँ विशेषता बतलाई जा रही हो तो वहां भी कर्म धारय समास होता है। और जिस पे विशेषता बतलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, यही समझ लीजिए। जो विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है उसे अपन कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा चंद्रमुखी, चंद्रमुखी इस चंद्रमुखी नाम सामने आती है अपन को क्या है? क्या फीलिंग सुनी? चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली। तो किसके समान? चंद्रमा के समान। किससे? किसकी उपमा दी जा रही है? मुख की। किससे दी जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा को कहलाएगा उपमान। किसकी उपमा दी जा रही है? मुख की दी जा रही है। कि मुख किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये मुख क्या कहलाएगा? उपमेय। क्या कहलाएगा? उपमेय। ठीक है, तो हम वही बात डिस्कस कर उसमें क्या बात लाएंगे कि जब कहीं भी कोई विशेषता बतलाई जा रही हो या किसी की उपमा दी जा रही हो तो वहां पर कर्म धारय समास होता है। अब लिखते हैं अपन परिवार। जिस समास में प्रथम पद, यहां परिभाषा में प्रथम पद लिखा है, 95% प्रथम पद ही होता है, लेकिन कभी कभी द्वितीय पद भी हो जाता है, लेकिन परिभाषा में मैं प्रथम पद ही लिख रहा हूं। जिस समास में प्रथम पद विशेषण हो या उपमान, विशेषण या उपमान हो
तो ये प्रथम पद वाली बात जो है ज्यादातर 95 शब्दों में प्रथम पद ही होता है। जिस समास में प्रथम पद क्या हो, विशेषण हो या फिर उपमान हो, या उपमान हो, कथा द्वितीय पद क्या हो, विशेष्य, विशेष्य या उपमेय हो, तो वहां कर्मधारय समास होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो परिभाषा हमने जो प्रथम पद में लिखा है वो द्वितीय पद में आ जाता है, द्वितीय पद में लिखा है जो प्रथम पद में आ जाता है, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। जो ज्यादातर जो उदाहरण होते हैं, जो जनरल जो उदाहरण होते हैं, उसमें यही परिभाषा सटीक बैठती है कि प्रथम पद या तो विशेषण होता है या उपमान होता है, और द्वितीय पद विशेष्य या उपमेय होता है। तो ऐसी कहाँ कंडीशन जहाँ होती है वहां पर होता है कर्मधारय समास। हाँ, उदाहरण देख लीजिए, जैसे नील कमल में देखो नीला शब्द है और एक कमल है, तो इसका जो समास वगैरह जब अपन करेंगे क्या करेंगे, नीला है जो कमल। भाई कमल कैसा है, नीला है, तो हमने कहा कि पहला पद विशेषण हो, द्वितीय पद विशेष, तो नीला पद क्या हो जाएगा इसका, विशेषण है। कमल कैसा है, नीला है, और कमल क्या है, विशेष है। जहां विशेष और विशेषण एक साथ आ रहे हो तो वहां कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट उदाहरण लीजिए, महापुरुष। पुरुष कैसा है, महान है। पुरुष कैसा है, पुरुष तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये पुरुष कैसा है, महान है। तो महान क्या शब्द है, विशेषण। क्या शब्द है, विशेषण। पुरुष कैसा है, पुरुष क्या कौन सा शब्द है, विशेष। क्योंकि विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, पुरुष की, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष। और जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहते हैं अपन विशेषण। तो समास रूप होगा, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, महात्मा। महात्मा, आत्मा कैसी है, महान। तो महा शब्द विशेषण हो जाएगा, आत्मा क्या हो जाएगी, विशेष्य। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, ये तो हो गए विशेषण वाले। अब मैं बताता हूं आपको उपमान वाले, एक उदाहरण में बता ही चुका हूं चंद्रमुखी वाला। दूसरा उदाहरण आप देखिए, कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन। वैसे एक और सिंपल सी मैं पहचान आपको बता दूं उपमान वाली, कि
उपमान हमेशा हमारी पहुंच से दूर होता है, उपमेय हमारे आसपास होता है, या हम स्वयं होते हैं या हम जिसका स्पर्श कर सकते हैं, जबकि उपमान का हम स्पर्श आसानी से नहीं कर सकते। कमल नयन, तो आंखें और कमल, आंखें किसके समान है? कमल के समान। तो क्या लिखेंगे? कमल के समान, कमल के समान नयन या नेत्र, कमल के समान नयन या नेत्र। और एक और लिख लीजिए, मुख चंद्र। अब देखो इसमें उल्टा है, मुख किसके समान है? चंद्रमा के। लेकिन उपमान इसमें कहां दे रखा है? बाद में दे रखा है। इसलिए मैंने बताया आपको पहले कि हम भले इस पर भाषा को लिख चुके हों, लेकिन फिर भी कुछ के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपमान बाद में भी आ जाता है और उपमान पहले भी आ जाता है। तो मुख चंद्र, तो मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान, या चंद्रमा मुख के समान है, तो उल्टा हो जाएगा। तो मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान, समान मुख। तो ऐसी स्थिति में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। या आप निष्कर्ष के रूप में यह याद रख सकते हैं कि जब विशेष और विशेषण का प्रयोग हो रहा हो या उपमेय और उपमान का प्रयोग हो रहा हो तो वहां कर्मधारय समास होगा। पहले पद द्वितीय पद के लफड़े को छोड़ दो, नोट लगा हुई। जब समस्त पद में या सामासिक पद में, समस्त पद में विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का प्रयोग हो रहा हो तो वहां कर्मधारय समास होता है। अब मैंने ये पर इस नोट इसलिए लगवाया है कि आप इस बात से विचलित ना हो कि भाई उपमान पहले ही आएगा, बाद में भी आ सकता है, लेकिन जनरली शब्दों में वो पहले आता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बाद में आ जाता है। इसलिए मैंने नोट लगवा दिया, चाहे विशेष्य कहीं आए, विशेषण कहीं आए, उपमेय पहले आए या बाद में आए, इससे हम तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें तो केवल ये दो बात ध्यान रखनी है, विशेष्य और विशेषण, उपमेय उपमान। ये दो 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 चीज हमें यदि कहीं दिखाई दे रही हो, ये दो विशेषताएं हमको कहीं दिखाई, ये दोनों जो नियम है ये हमको कहीं घटित होते दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां कर्मधारय समास होगा। मैं समझता हूं कि आप सभी समझ गए, मैं जिस बात को समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझ गए होंगे। एक उदाहरण और देख लीजिए, सर्वोत्तम। उत्तम तो है, लेकिन किसमें उत्तम है? सभी में उत्तम है, सभी में उत्तम, सभी में उत्तम, सभी में श्रेष्ठ है, उसे क्या कहा जाता है? सर्वोत्तम कहा जाता है। तो जहां विशेषता बतलाई जा रही हो किसी की, या किसी की उपमा दी जा रही हो, तो वहां कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट समास देखते हैं, पांचवा गिगु समास। गिगु समास
विभु समास। विभु समास में जिस समासित पदों में प्रथम पद कैसा हो, संख्यावाची हो, संख्यावाची हो तथा तथा द्वितीय पद प्रधान हो, द्वितीय पद संज्ञा हो या प्रधान हो, द्वितीय पद प्रधान भी हो सकता है या संज्ञा भी हो सकता है। जिस सामासिक पद में प्रथम पद संख्यावाची हो तो वहां द्विगु समास होता है। क्योंकि ये तत्पुरुष समास का उपभेद है, इसलिए जब तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है या द्वितीय पद संज्ञा शब्द होता है तो ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची भले ही हो लेकिन द्वितीय पद भी प्रधान या संज्ञा शब्द होता है, संज्ञा शब्द होता है, ये ज्यादा सटीक रहेगा कि जिस समास पर प्रथम पद संख्यावाची होगा द्विगु समास होता है। ये तो सिंपल सी परिभाषा रही, हम ये भी याद रख सकते हैं कि इसका द्वितीय पद संज्ञा शब्द होता है। जैसे जैसे चौराहा यानी रहा कहते हैं रास्ते को, चौ संख्यावाची शब्द है, चौ का होता है चार, चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार। तो परिभाषा अपनी कहती है प्रथम पद संख्यावाची होता है, प्रथम पद संख्यावाची है, दूसरा पद कैसा है संज्ञा भी है, तो सब फिक्र कर रहे हैं हम, चार राहों का समूह या समाहार ऐसी स्थिति में होता है। यहाँ प्रथम पद संख्यावाची होता है तो वहां होता है द्विगु समास। एक नियम नंबर दो नोट लगा लीजिए छोटा सा, द्विगु समास में समास विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते, शब्द का प्रयोग करते, या तो समूह शब्द का प्रयोग करते हैं या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। ये हम ध्यान रख सकते हैं कि जब भी हम द्विगु समास का समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह में समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि जो सामासिक शब्द होता है वो समूह या समाहार का ही अर्थ प्रदान करता है। अब देखते हैं उदाहरण, सप्तऋषि सप्त यानी कि सात, ऋषि यानी कि ऋषि, अर्थात सात ऋषियों का या तो समूह लिखेंगे या समाहार लिखेंगे, सात ऋषियों का समाहार। उदाहरण नंबर दो, पंचवटी
पंच का मतलब हो गया पांच, वट यानी कि वृक्ष, पांच वट या वृक्ष, वटों या वृक्षों का समाहार, पांच वटों या वृक्षों का समूह पंचवटी कहलाई, या पांच वृक्षों का समाहार पंचवटी कहलाई। सप्तऋषि हो गया, पंचवटी हो गया, चौराहा हो गया। नेक्स्ट लीजिए सप्ताह, सप्ताह सप्त और अह दो शब्द हैं। सप्त का मतलब सात और अह का मतलब होता है दिन। क्या होता है? दिन। दीर्घ संधि हो रही है, अह शब्द है। तो सात दिनों का, सात दिनों का समूह, समूह लिख दो या समाह लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक उदाहरण और लीजिए, शताब्दी। सत यानी कि 100, अब्द कहते हैं वर्ष को, अब्द किसको कहते हैं? वर्ष को। तो सात, तो सॉरी 100, भाई सत का मतलब क्या हो गया? 100 हो गया। क्या हो गया? 100। या अपन सत भी लिख सकते हैं, 100 वर्षों समूह, या अपन समाहार भी लिख सकते हैं। तो ये आपका द्विगु समास है, बहुत सिंपल है, पहचान हो जाती है। प्रथम पद संख्यावाची होता है, सम्मेय संख्यावाची है, और समास वगैरह करते समय हम किसका प्रयोग करते हैं? समूह और समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं।